Hey guys, what is up? और दोस्तों आज हमारे पास एक और लग्जरी स्मार्ट वॉच है और ये है Firebolt की Infinity Lux। अच्छा तो भाई Firebolt की Infinity पहले से लॉन्च हो गई थी लेकिन अभी उन्होंने यहाँ पर इसका लग्जरी एडिशन लॉन्च किया है, तो देखेंगे भाई क्या यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। वैसे जो फीचर वगैरह वो एक्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहाँ पर लुक आपको डिफरेंस ही देखने को मिलती है, लेकिन इसका जो प्राइस है ना, जब Firebolt Infinity लॉन्च हुई थी तो उसका प्राइस Firebolt ने रखा था भाई 5,000 रुपये, अभी वैसे 4,000 में मिलती है, लेकिन ये जो है ना उससे भी कम प्राइस में इन्होंने लॉन्च करी है 3,499 रुपये। तो कैसी स्मार्ट वॉच है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये रहा हमारा Firebolt Infinity Lux का बॉक्स और देख सकते हो जो वॉच है इस बार आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलती है चेन स्ट्रैप के साथ, लेकिन जो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वगैरह ना वो सिमिलर ही है। 1.6 इंच का मैसिव डिस्प्ले इस वॉच में, उसके अलावा यहाँ पर जो TWS कनेक्ट कर सकते हो 400 पिक्सल बाय 400 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, 300+ स्पोर्ट्स मोड है और उसके अलावा बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ें जैसे यहाँ पर 4GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है और 110 इनबिल्ट वॉच फेसेस हैं। देखो ये फीचर तो यहाँ पर काफी इंप्रेसिव से लग रहे हैं, लेकिन इस वॉच की बात करें तो इस वॉच को जैसे देखते हो मैंने यहाँ पर पहना हुआ है और सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे ना कि ये जो वॉच है ना भाई बहुत ही बड़ी सी है। 1.6 इंच का जो सर्कुलर डिस्प्ले होता है ना भाई बहुत ही बड़ा होता है स्क्वायर डिस्प्ले से, क्योंकि रेडियस वगैरह बढ़ जाता है। देखो भाई अगर तो आपकी थिन रिस्ट है ना तो उसके हिसाब से ये जो वॉच है उसकी जो इन हैंड लुक है ना भाई बहुत ही ज्यादा मैसिव है, तो उसके लिए तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपकी मीडियम रिस्ट है या फिर लार्ज रिस्ट है, जैसे जिम वगैरह आप जाते हो तो थोड़ी चौड़ी रिस्ट है आपकी, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर इस वॉच को आप ले सकते हो। लेकिन मेरी जो है वो यहाँ पर मीडियम साइज की रिस्ट है, लेकिन उसके हिसाब से भी ये काफी बड़ी सी लग रही है। 1.6 इंच का काफी ह्यूज मैसिव डिस्प्ले है। बाकी सर्कुलर डिस्प्ले वाली अगर वॉचेस आपको पसंद है बड़े डिस्प्ले वाली तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन बात करें भाई इस वॉच की जो लुक की, तो जैसे बता रहा ये एक लग्जरी एडिशन है, तो इस वॉच में जो है आप देख सकते हो आपको यहाँ पर जो चेन और मेटल स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं स्टेनलेस स्टील के, और इस वॉच की जो लुक रहती है ना भाई अच्छी खासी यहाँ पर लग्जरी टाइप की लग रही है। देखो भाई आजकल ना लग्जरी जो स्मार्ट वॉचेस का थोड़ा सा ट्रेंड है, तो यहाँ पर ये जो वॉच है इसकी लुक काफी बढ़िया लगी मुझे। वैसे बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी खासी है और ऐसे चीप सी फील नहीं होती है, ऑब्वियसली बात है भाई लग्जरी एडिशन में यहाँ पर इन्होंने लॉन्च करी है, तो लुक काफी बढ़िया लगी मुझे इस वॉच की। तो डिस्प्ले काफी बड़ा है यहाँ पर, काफी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी और इंप्रूव होती है और वो यहाँ पर है कि इस वॉच में आपको यहाँ पर LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इवन दो जो यहाँ पर डिस्प्ले है ना वो काफी शार्प है, 400 पिक्सल बाय 400 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, तो काफी हाई पिक्सल डेंसिटी है, देख सकते हो भाई जो टेक्स्ट है वो काफी शार्प रहता है। बाकी ब्राइटनेस वगैरह भी बोला कि काफी बढ़िया 500 nits की ब्राइटनेस है इस वॉच की, और इंडोर हो आउटडोर हो आपको किसी तरह से यहाँ पर देखने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो मैं इसको वापस से जो ब्राइटनेस इसकी कम कर देता हूँ। बट जैसे मैंने बोला भाई अगर AMOLED डिस्प्ले दे देते ना तो काफी बढ़िया रहता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो काफी डीप और काफी पंची से कलर है इस वॉच के, मेरे ख्याल से भाई 500 रुपये और बढ़ा के इसमें AMOLED डाल देते ना तो भाई मजा आ जाता। लेकिन ओवरऑल लुक वाइज ये जो वॉच है भाई मुझे काफी इंप्रेसिव लगी, सिर्फ काफी बड़ी डिस्प्ले है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर आपको बड़े डिस्प्ले वाली वॉचेस पसंद है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा देख सकते हो भाई यहाँ पर आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं, तो ये जो क्राउन है ना एक रोटेटिंग क्राउन है, तो जिसको आप यहाँ पर जैसे रोटेट करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे भाई, खत्म ही नहीं होंगे वॉच फेसेस, आप रोटेट करते रह जाओगे। और मुझे भाई ये चीज काफी सही लगी, मतलब इसकी ऐप में जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब वॉच फेसेस इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ एक चीज के लिए इसकी ऐप में जाना होगा जिसका नाम है Firebolt Invincible Plus, और वो है यहाँ पर कि अगर आपको जैसे जल्दी से कोई वॉच फेस लगाना हो, क्योंकि जैसे देख सकते हो भाई स्क्रॉल करते रह जाओगे, अगर जल्दी से कोई वॉच फेस लगाना हो तो जल्दी से सेलेक्ट कर लो, या फिर अपना भी कोई कस्टम जैसे वॉच फेस लगाना हो, अपनी फोटो लगानी हो ना तो वो यहाँ पर आप लगा सकते हो, जैसे बैकग्राउंड वगैरह कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी आपको कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं। और ये जो वॉच फेसेस इसलिए इंस्टॉल हो पाए क्योंकि इस वॉच में आपको यहाँ पर 4GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है, तो गाने वाने भी स्टोर कर सकते हो इसमें। लेकिन इसके अलावा भी ना यहाँ पर आपको एक TWS कनेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर TWS मोड है, तो इससे कोई भी TWS हेडसेट या फिर जैसे स्पीकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे इसमें आपको एक म्यूजिक प्लेयर दिया हुआ है जिसमें जो म्यूजिक वगैरह आप प्ले कर सकते हो, और यहाँ पर एक टेस्ट म्यूजिक है, तो उसको एक बार चला के मैं आपको साउंड भी सुना देता हूँ, तो जो कि बोलूँगा कि यहाँ पर स्पीकर मतलब ठीक ठाक है, मतलब इतने ज़्यादा लाउड भी नहीं है कि आप इस पर मतलब ऐसे पार्टी वगैरह कर लो। लेकिन इस वॉच में ना आपको यहाँ पर एक TWS कनेक्ट का ऑप्शन दिया है, या फिर आप स्पीकर एक्सटर्नल स्पीकर्स होते हैं ना वो भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नीचे टैप करोगे ना तो यहीं पर आपको दिख जाएगा कि फोन का म्यूजिक चलाना है, लोकल मोड है, या फिर आपको TWS मोड है, डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट करके उस पर म्यूजिक एंजॉय कर सकते हो आप। बाकी IP रेटिंग यहाँ पर आपको मिलती है IP67 की, तो ये थोड़ी स्प्लैश प्रूफ रहेगी, बारिश वगैरह में चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ पानी वगैरह में जैसे स्विमिंग करते टाइम तो उसको वैसे भी नहीं पहनने वाले, तो वहाँ पर ये इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। लेकिन इसके अलावा भाई इसमें आपको जो हेल्थ रिलेटेड फीचर मिलते हैं जैसे हार्ट रेट, SPO2, स्लीप ट्रैकिंग, उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं हार्ट रेट है इसको यहां पर कंपेयर करूंगा जो ऑक्सीमीटर मैंने पहना हुआ अपनी फिंगर पर, और यहां पर देख सकते हो कि भाई जो ऑक्सीमीटर में और वॉच में जो रीडिंग्स हैं बहुत ही ज्यादा सिमिलर आपको देखने को मिलती है। चलो SPO2 मीटर को भी यहां पर ऑक्सीमीटर से कंपेयर करें तो यहां पर ऑक्सीमीटर के लिए आपको जो रेड सेंसर मिलता है और देख सकते हो यहां पर 97% दिखा रहा है और यहां पर भी 97% दिखा रहा है, तो रीडिंग्स वगैरह ना मुझे बहुत ही एक्यूरेट लगी इस वॉच की। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूं भाई ये जो वॉचेस है कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो अगर इनको यूज करो तो सिर्फ आईडिया लेने के लिए यूज करना। बाकी भाई इस वॉच में एक और चीज है जो सबसे ज्यादा
पैसे वो यहाँ पर है कि 300 प्लस आपको इसमें स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिए हुए तो देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ी सी लिस्ट है, लेकिन नीचे कुछ कैटेगरीज भी हैं, तो किसी भी कैटेगरी में जाओगे तो उसके अंदर भी भाई इतने सारे यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मोड आपको दिख जाएंगे, मतलब खत्म ही नहीं होंगे किसी भी कैटेगरी में। मतलब ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स मोड है कि मतलब आपने नाम भी नहीं सुना होगा उसका। जैसे इसमें एक स्पोर्ट्स मोड है, इसका नाम है भाई बॉडी फीलिंग गेम। भाई ये कैसा स्पोर्ट्स मोड होता है ये तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको पता है तो भाई नीचे कमेंट करके बताओ। बॉडी फीलिंग गेम मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है वैसे। बाकी इस वॉच का जो यूआई वगैरह है वो यहाँ पर काफी स्मूथ है, जैसे देख सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर कोई टॉगल बटन है और भी ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर स्वाइप करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर जो मेन्यू एक्सेस करने के लिए ये वाला ऊपर वाला बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सारे जो मेजर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्टेप्स काउंट, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, स्लीप मॉनिटरिंग, स्पोर्ट हिस्ट्री, म्यूजिक, वेदर, डायल पैड, कॉन्टैक्ट, रीसेंट मैसेजेस, एआई वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर भी आपको मिलता है, रिकॉर्डर भी है इस वॉच में, उसके अलावा ब्रीथ, गेम के ऑप्शन भी है। तो इस वॉच में आपको यहाँ पर देख सकते हो भाई बहुत सारी जो इनबिल्ट गेम देखने को मिलती है, आई थिंक 5 के करीब है, तो ये सही है। उसके अलावा अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, टाइमर, कैमरा कंट्रोल और सेटिंग में भाई कुछ और ऑप्शन है। मतलब भाई फीचर यहाँ पर आपको बहुत ही भर के देखने को मिलते हैं और ओवरऑल भाई दिखने वाइज बहुत अच्छी स्मार्ट वॉच है। फीचर आपको यहाँ पर तगड़े तगड़े से देखने को मिल रहे हैं, इनबिल्ट स्टोरेज है, 300 प्लस स्पोर्ट्स मोड है, 110 इनबिल्ट वॉच फेसेस है, सही है, मतलब अच्छी खासी वॉच है। लेकिन इसके अलावा ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो उसको भी टेस्ट करके मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है, तो कॉलर का नाम आ रहा है, सिर्फ आप यहाँ पर कॉल उठा सकते हो। बाकी एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच भी है तो स्पीकर का वॉल्यूम मैं आपको सुना ही चुका हूँ, काफी बढ़िया, काफी लाउड भी है। तो ओवरऑल ये जो वॉच है भाई फायरबोल्ट इन्फिनिटी लक्स, डेफिनेटली भाई दिखने में काफी यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है काफी बड़ा लगता है। तो जैसे मैं शुरू में बोल चुका हूँ कि अगर आपकी भाई थिन रिस्ट है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक लग्जरी स्मार्ट वॉच चाहिए, आपको बड़ा डिस्प्ले पसंद है और इस तरह की आपको लुक पसंद रहती है वॉचेस में, तो मुझे लगता है कि ये जो वॉच है फायरबोल्ट इन्फिनिटी लक्स आपको काफी बढ़िया लगेगी। फीचर्स वगैरह भाई भर भर के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और मुझे ऐसा कुछ फीचर लगा नहीं कि जो इसमें मिसिंग हो, सिर्फ एक चीज और दे देना इस वॉच में तो मुझे लगता है भाई मजा आया था। और वो यहाँ पर है कि इस वॉच में आपको यहाँ पर LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, AMOLED दे देते ना थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता वैसे उसकी वजह से, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर इस वॉच की जो लुक होती है ना थोड़ी सी और प्रीमियम सी लगती, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये जो वॉच है दिखने में काफी बढ़िया लग रही है। जैसे मतलब भाई अगर आपको एक बड़े डिस्प्ले वाली प्रीमियम लुकिंग स्मार्ट वॉच चाहिए, फीचर काफी अच्छे खासे चाहिए, तो आप ये जो वॉच है इसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। और इसका प्राइस यहाँ पर है 3499 रुपए। देखो भाई मेरे हिसाब से 3499 रुपए काफी बढ़िया प्राइस है इस वॉच का। बाकी जैसे भाई इसके फीचर एक्जैक्टली सिमिलर है जो आपको फायरबोल्ट इन्फिनिटी में मिलते थे, तो वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपने इस वॉच को खरीदना होगा तो इस वॉच का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो आपको कैसी लगी ये फायरबोल्ट इन्फिनिटी लक्स या मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं बनाऊंगा।